पद्मावत रिलीज हो चुकी है। इतने विरोध के बाद फिल्म पद्मावत रिलीज हुई। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वहीं फिल्म की खूब तारीफें भी हो रही है। फिल्म की स्टार कास्ट रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर के काम की सराहना की जा रही है। लेकिन हाल ही में स्वरा भास्कर को फिल्म देखने के बाद कुछ ऐसा लगा कि उन्होंने तुरंत संजय लीला भंसाली को ओपन लेटर लिख दिया। दरअसल स्वरा को जौहर वाला सीन कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने संजय लीला भंसाली को ओपन लेटर लिख दिया। अपने लेटर के शुरुआत में स्वरा ने फिल्म के स्टार्स और संजय की खूब तारीफ की है, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ पॉइंट्स संजय लीला भंसाली को बताए। स्वरा ने लिखा है कि क्या जौहर के बिना पद्मावती की जिंदगी नहीं चल सकती थी, क्या कोई महिला किसी पुरुष के बिना अधूरी है। स्वरा ने लिखा कि इस फिल्म के जरिए भंसाली जी ने सती और जौहर प्रथा का महिमा मंडन किया है। जौहर सीन को लेकर स्वरा ने कहा कि सर, महिलाओं को रेप का शिकार होने के अलावा भी जिंदा रहने का हक है। पुरुष का मतलब आप जो भी समझते हो, पति, रक्षक, मालिक, महिलाओं की सेक्सुअलिटी तय करने वाले, उनकी मौत के बावजूद महिलाओं को जीवित रहने का हक है। खैर, अब स्वरा अपने इस लेटर के चलते सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी हो रही है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।